Yes, good morning class. In previous class, we discussed about the chapter 4, landscape of the soul. उसी का पार्ट है बेटा, उसी का फोर्थ पार्ट, उसी का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, from book 1, class 11 का. Yes, क्या है? The voice of the rain. The voice of the rain बेटा, के ना rain से के जो राइटर है वो बात करते हैं. राइटर कौन है? ठीक है, कोई कौन है? Walt Whitman. ठीक है, Walt Whitman. ठीक है, वो क्या करते हैं? पूछा है रेन से और रेन उसके जवाब में जो चीज बता रही है उसी को द वॉइस ऑफ रेन बोला है. कभी कभी इस पोएम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनता है, पर्सोनिफिकेशन के फॉर्मेट में. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन होता है क्या? व्हाट इज द पर्सोनिफिकेशन? व्हेन वी कंपेयर समथिंग विच इज नॉट विजिबल, ठीक है, जो चीज दिखने योग्य नहीं है और उसे हम लोग कंपेयर किसी चीज से करते हैं. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऐसी चीज जिसका कंपैरिजन नॉन लिविंग थिंग से करा जाए या लिविंग नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से करा जाए, जो कभी भी एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग बात करें सन स्माइल्स, ठीक है, आप सूरज कभी स्माइल करेगा देख पाओगे क्या? स्माइल कौन करता है? ह्यूमन बींग्स. बट हम लोगों ने कंपेयर किया बस सूरज जैसी मुस्कुराहट. अब मुस्कुराहट आपने देखी है कभी? ठीक है, आपने बोल दिया हमारी जैसी मुस्कुराहट, अब सन स्माइल. ठीक है, हम लोग अलग बोल सकते हैं कि उधर से ट्रेन आ रही थी, मुझे देख रही थी. ट्रेन का भी देख सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं. तो पर्सोनिफिकेशन के क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे गाने भी बने, चांद सा रोशन चेहरा, है ना? तो अब चांद सा रोशन मतलब चांद जैसा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं. तो ये पर्सोनिफिकेशन के क्वेश्चन है. उसकी उसकी आवाज़ तो शेर की दहाड़ जैसी है. ठीक है, तो कैसे अब दहाड़ जैसी हो सकती है कभी? नहीं, वो बिल्कुल अपना डिफरेंट है. ठीक है, तो उसका दिल तो पत्थर का है, तो दिल पत्थर का हो सकता है. ये सारी चीज़ें पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. Let's see, कि क्या है मैंने कहा है पोएम द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमैन विच मैन के तरह से. ठीक है, आर हु आर्ट दो, ठीक है, आप कौन हो? ठीक है, सेड आई टू द सॉफ्ट फेलिंग शावर. ठीक है, जो गिर रहे थे धीरे धीरे से शावर या पानी की बूंदे जो गिर रही थी, ठीक है, वही उनसे उन्होंने पूछा आप कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, अब आपको बता रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं, जो व्यूअर्स है मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको बता रहे हैं. विच स्ट्रेंज टू टेल मतलब एक थोड़ा सा अजीब वगैरह है बताने में, बट गिव मी एन आंसर मतलब उसने आंसर दिया. क्या दिया? एज ही ट्रांसलेटेड, और मैंने उसे ट्रांसलेट करा. ठीक है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा कि उसने वॉइस द साउंड ऑफ द रेन होता है. वॉइस तो इंसानों की होती है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन का बताया जाता है. अब ये वॉइस ऑफ द रेन जैसा उन्होंने उनके उसमें ट्रांसलेट करा. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मैं एक कविता हूँ किसके लिए? धरती के. इस कविता में क्या क्या है कि मेरे बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा काम क्या और मेरा रोल क्या इस धरती के लिए. ठीक है, तो वैसा उन्होंने डिस्क्राइब करा. इटर्नल आई रेस इम्पेल पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेस बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं रेन वाटर हूँ, ठीक है, और मैं कैसे बनती हूँ इटर्नल. ठीक है, एक प्रोसेस से बनती हूँ मैं, सी में सी से इवेपोरेट होके क्लाउड बनती हूँ, क्लाउड से मैं बादल से गरजती हूँ, बरसती हूँ और दोबारा से नीचे आ जाती हूँ. एक पूरा प्रोसेस बताया था उन्होंने, बताया इटर्नल आई रेज. इटर्नल मतलब बाहर की तरफ से मैं रेज होती हूँ, अपने आप को राइज करती हूँ. ठीक है, इम्पेबल समथिंग नॉट टच, अब आप कभी भी इसको टच कर सकते हैं या इस प्रोसेस को, इवेपोराइजेशन के प्रोसेस को कहीं टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा. तो ये सारी चीज़ें बोले उसका मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच. ठीक है, इम्पेलेबल. ठीक है, तो आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम लेस सी. ठीक है, जहाँ से लैंड सी है, जहाँ पर लैंड नहीं है वहाँ से मैं अपने आप को लेके आती हूँ, अपने आप को लाती हूँ. अपवर्ड्स टू द हेवन, और कहाँ तक ले जाती हूँ? हेवंस तक. ठीक है, वेंच वेगरली फॉर्म्ड ऑल दो चेंज येट द सेम. ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग से बादल, वेगरली का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, अलग अलग बादल है अलग अलग तरीके से. ठीक है, अलग अलग छोटे मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे, अभी बारिश के टाइम पर आपने जनरली देखा होगा फॉर्म्ड. ठीक है, ये फॉर्म के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ऑल दो चेंज, कभी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी इमेजिनेशन देखा होगा आपने आसमान में, कभी ये क्या फॉर्म बना रहे, कभी क्या फॉर्म बना रहे, कभी कैसी इमेज बना रहे, आपके माइंड में भी क्रिएशन होती होगी, तो आपने देखा होगा कैसे. बट कहलाते तो सभी सेम ही है, एक ही की बादल है वो तो. ठीक है, या क्लाउड है या स्काई है. ठीक है, तो हम लोगों ने सर भले वो कैसे और तो सब चेंज है डिफरेंट डिफरेंट वे में, बट वो कहलाते तो सेम ही है कि हाँ ये बादल है. ठीक,
आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, ठीक है, आई डिसेंड मैं यहाँ नीचे इसलिए आई हूँ कि मैं जो ड्रॉट जो सूखा इलाका उसको पढ़ सकूँ, उसको दोबारा से पानी दे सकूँ, उसको जान दे सकूँ। एटॉमिक्स, एटॉमिक्स मतलब छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उनको जीवित रख सकूँ, ठीक है। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो डस्ट एक लेयर बन गई ग्लोब में उसको हटा सकूँ, उसे धो सकूँ, उसे वापस प्योर कर सकूँ, उसे वापस दोबारा से चलने योग्य बना सकूँ, ठीक है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट वी मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिसको बेटा जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि बोरिंग करते तो पानी डालते तो पानी से ही वो सारी चीजें होती है। तो बारिश के स्टार्टिंग का समय की अगर हम बात करें कि वो रेन का ही के लिए ही, जैसे सोयाबीन का टाइम की बात करें, आप सीड बोलते हैं ना बारिश का इंतजार करते रहते हो कि वो आएगी और होगी, तो मैं किसको सीड को उसकी जान मतलब एक पौधा बनाने आई हूँ, जो अनबोर्न सीड है जो नहीं हो पाए मैं उनको भी जान देने आई हूँ, ठीक है। और जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं जिनको जरूरत है मैं उनको नीड पूरी करने आई हूँ, तो ये सारी चीजें बता रही है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, हमेशा दिन रात वो एक ही काम में लगी रहती है, गाय में खुद के ओरिजिन को वापस रिक्रिएट करने में। ओरिजिन को रिक्रिएट मतलब पानी गिरा वापस नदी में आया, नदी में आया सारे सब लोगों को उनकी जिनकी जरूरत थी उनको सबको पानी दे दिया और बचा पानी समुद्र में चले गए और वापस क्या हो गया उसके ओरिजिन को रिक्रिएट करने के लिए वापस वही वेपराइजेशन का प्रोसेस क्लाउड बन गए अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट और वापस वो एकजुट होकर पानी बरसाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने उसमें ही एंड फॉर एवर डे बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ऑन ओरिजिन, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ को ओरिजिन के लिए डिवोटेड रखती हूँ, हमेशा वही काम करती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, ठीक है, इसे प्योर कर देती हूँ और ब्यूटीफाई। थोड़े दिन के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर पानी गंदा हो चुका है, वापस रहना है कि उसे पूरा धो के साफ करके चले जाएंगे, नेचुरल वाटर जैसे प्योर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में बताइए, ठीक है। अब इसके कंपेरिजन में जो राइटर है उन्होंने बताया कुछ, ठीक है, कि आपका रोल कैसा है, कि आपका रेन का रोल कैसा है लाइफ में और आप क्या करती हो, ठीक है। तो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द वंडरिंग रैकेट एंड अनरैकेट ड्यूली विद दी लव रिटर्न्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है जैसे जो सॉन्ग लिखने वाले होते हैं, जैसे मैंने ये सॉन्ग लिखा उन्होंने बताया, ठीक है, तो आप उन्होंने बताया कि ये सॉन्ग मैंने लिखा बट ये कहाँ कहाँ तक जाएगा, कौन कहाँ से जन्म लिया उसको भी सुनाएंगे, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, बट जो रिटर्न में मुझे आएगा वो क्या आएगा, लव कि हाँ बहुत अच्छा है, अप्रिसिएशन मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलते हैं, क्यों यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रही है, छोटे टाइनी पार्टिकल्स को लाइव दे रही हो, अनबॉर्न जो सीड है उसको लाइव दे रही हो, ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसको अपना रोल निभाने का मिलता है आपके आने के बाद में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अबाउट द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।